जो हजरात इस्तकबाल करना चाहते हैं वो इस्तकबाल कर लो। हमारी शोहरत या तो उस अल्लाह की दी हुई है और उसके बाद आपकी दी हुई है। हम जब तक जिएंगे, हम जब तक है और जब तक रहेंगे, आपको कभी आपने ये तो सुना होगा कि आपका सांसद विधायक जेल में है, लेकिन ये नहीं सुना कि आपका सांसद और विधायक ने अपने जमीर का सौदा कर लिया है। मैं इसीलिए कहता हूँ आजम खान साहब गुरूर है आपका, गुरूर की हिफाजत करो। आपका मुकाबला सिर्फ सरकार से होगा, किसी से नहीं होगा, न कांग्रेस से न बसपा से। और न भाजपा से। अच्छा, भाजपा ने भी दोनों टिकट रामपुर और स्वारगे इतने बढ़िया दिए हैं कि बचा कुचा काम खुद ही कर दिया उन्होंने। आएंगी दोनों ने इंशाल्लाह। अच्छा, सब जगह मामला सही है, इधर से काम बन जाए तो इधर के बने और इधर से बन जाए तो इधर के बने। मैं हकीकत बात बता रहा हूं, अभी भी स्वार से आ रहा हूं, बैठाल नहीं रहा है कोई, बैठाल नहीं रहा है। घर के बाहर खड़े होकर अंदर फोन कर रहे हैं कि बाहर खड़े गेट खोलो। वही आर बीजेपी का यहां पर है। और मैं कहना चाहूंगा इस जलसा यहां, मैं कहना चाहूंगा आज हमारी सभा में आज भी वो लोग हैं जो भाजपा की हिमायत में वोट मांग रहे हैं, लेकर आए। अच्छा, उन्हें वो मैंने उन्हें देखा एक आज जगह आमने सामना पड़ गया, तो वो पटका और टोपी लगाए थे, वो थे और बाकी वो थे जिनका वोट ही नहीं आया होगा अभी तक। मैं सच कह रहा हूं, अकेले वो एक तो वो अकेले खुद थे और दूसरे वो थे जो खुद अभी तक तालीम नहीं हुए। शुदर खाने पर लोगों को यह कहकर बुला लिया कि कंबल बैठने वाले किसी का लाइसेंस हो जाए, किसी की पिलिंग बच जाए, बस यही है जिंदगी। मरोगे नहीं, अपने मालिक के सामने नहीं जाओगे, क्या कहोगे, किसका साथ देकर आए, जिसने इंसानों को इंसानों से लड़ाया, नफरतें फैलाई, वो समाज जिसे मोहब्बत की जरूरत है उसमें नफरतें बांटी, उसका साथ दे रहा सिर्फ अपनी जाति के नाम है। मुखालफत होनी चाहिए लेकिन इतनी भी ना हो कि इंसान उसके लिए अपना जमीर और अपना ईमान बेच दे। मुखालफत करिए लेकिन उसका मतलब यह नहीं होता कि आप पूरे शहर को मुंजिम बना देंगे। करिए मुखालफत लेकिन उसके लिए माँ बहन बेटियों की इज्जतों को ताक पर रख दिया जाए कि पुलिस घर के दरवाजे छोड़े और बेपर्दगी हो। ऐसी मुखालफत का जवाब न दुनिया में दे पाओगे ना आखिरत में दे पाओगे। आप सबसे वो ले लेता बांस ही। मैं तो बस एक पैगाम लेकर आया और अपने उस पैगाम के बाद चला जाऊंगा। और मैं जानता हूं कि अगर मैं नहीं भी आता तो ये वो इलाका है जिसे अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए किसी को कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। वो सब कुछ
ऐसे ही मजबूत लोग। मैंने कई मौकों पर इस बात को कहा भी कि मुझे कम से कम यहां किसी को कुछ समझाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर अक्सरियत उन लोगों की है जिनका साथ आजम खान साहब के साथ मेरी उम्र से भी ज्यादा है, उनसे भी ज्यादा है। मैं अपनी बात को खत्म करूंगा और आप सबसे बस यही गुजारिश करूंगा कि आवाज को बचाओ अपनी, तारीफ को बचाओ अपनी, गैरत को, खुददारी को, ईमान को बचाओ अपने, अपने उस वकील की हिफाजत करो जिसने हर मौके पर आपका साथ दिया, आपकी वकालत करी और आज वो सिर्फ मेरी और आपकी मोहब्बत, मेरी और आपकी मोहब्बत से नफरत करने वालों के इरादों की वजह से एक 8x8 की अंधेरी कोठरी में बंद है। हिफाजत करो उसकी, आपके फैसले को पूरा हिंदुस्तान देखेगा, पूरा उत्तर प्रदेश देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी। ऐलान करो आज 14 तारीख को एक एक वोट साइकिल के निशान पर दबाओगे और उन लोगों के साथ इंसाफ करोगे जिन्होंने इन 3 सालों में बहुत कुछ बर्दाश्त किया।